तो सबसे पहले मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और खुश क्यों हैं ये लोग भी टीवी देख रहे थे, सभी छोड़ कर चले। मैं मजा आ गया। मैं लुट गया मन के तेरा, कहा मैं नहीं कहना रहा, क्या करूं है दिल रुबा। और गाइस ये भी कह रही है कि बस अब कुछ ही दिन और है, बाकी फिर मेरी क्लासेस खुल जाएगी, तो मैं नहीं बनाऊंगी खाना मैं भी लूंगी ही नहीं। तो बाकी चलिए गाइस लपेटते हैं जल्दी से। फैमिली गुड मॉर्निंग, प्रणाम, नमस्कार, क्या हाल है आप सभी के। वेलकम बैक टू अवर ब्लॉग चैनल मिस्टर एंड मिसेस प्रशून। तो दोस्तों आज के प्यारे से ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है, और सबसे पहले गाइस सभी को दिल से धन्यवाद इतना सारा प्यार सपोर्ट करने के लिए। दोस्तों आज है सैटरडे, और अभी सैटरडे क्या है, अपना तो रेगुलर वही रूटीन होता है गाइस, बस संडे का आता था थोड़ा बहुत रिलैक्स महसूस होता है क्योंकि उस दिन क्लासेस नहीं होती है। बट इस संडे भी मैं बिजी रहूँगा क्योंकि गाइस जैसा कि आप सभी को पता है कि फेस्टिवल आने वाला है, एक तो रक्षाबंधन भी है और ऊपर से 15 अगस्त यानी इंडिपेंडेंस डे भी है। तो मैं घर जा रहा हूँ निशा से मिलने के लिए, तो ये खास चीज़ है और आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा क्योंकि हम लोग गेट टुगेदर फिर एक साथ हो जाएंगे मैं और निशा। तो मैं जा रहा हूँ वहाँ पे, और मेरा जो स्कूल है तो वहाँ पे अंडा फहराने के बाद से कुछ छोटा मोटा फंक्शन भी है बच्चों का, तो उसे भी अटेंड करना है। तो इस पर्पस से मैं जा रहा हूँ घर पे। बाकी आप लोग खूब सारा प्यार सपोर्ट कीजिए गाइस, नए तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। और अभी मैं अपने ऊपर वाला जो मतलब हमारा जो 3 रूम का फ्लैट है ना, तो ऊपर बाकी ये देखिए माँ से अभी सुबह के 7:30 बज रहे हैं, मैं जिम से आ चुका हूँ गाइस, सोच सकते हैं आप। और ये अभी उठ के ब्रश कर रहे हैं, मैं जिम गया था, नहा वहा के सब कुछ रेडी हो चुका हूँ, और थोड़ा बहुत सुबह से उठे लेकिन अच्छा ब्रश अभी करा, चलो कोई नहीं। तो गाइस पता है अभी क्या है कि मैंने थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट भी मैं उसका हेल्प कर दिया तनु का, थोड़ा सा जो सब्जी वब्जी था वो मैं कट कर दिया क्योंकि मैंने बोला वही बना देती है, तो मैं कट वट कर दिया सब कुछ, थोड़ा बहुत चला वाला दिया। और बाकी अभी आया था ऊपर, कपड़े पसारने थे क्योंकि धूप आ गई थी, तो मैं सोचा थोड़ा सा कपड़े भी डाल दूँ धूप में। और अभी आ गया नीचे, चलते किचन में देखते हैं तनु क्या कर रही है। दोस्तों पता है अभी किचन में आता हूँ तो ये मस्त यहाँ पे इसका डेली का रूटीन है, इधर चढ़ा दिए सब कुछ, देख भी रही है किचन में, देख लीजिए मस्त सारा सब्जी वब्जी बना रही है। और यहाँ पर अपना मस्त डीजे एक से एक फेवरेट सॉन्ग गाइस बजाती है, मस्त मस्त गाने के कलेक्शन तो इसके काफ़ी अच्छे हैं। हालांकि हाँ मैंने अभी बंद करवा दिया, मैंने बोला भाई थोड़ा ब्लॉग शूट करें तो वरना कॉपीराइट आ जाएगा। बाकी ये मस्त अपना मस्त गाने सुनती है, खाना बनाती है, इसका यही काम है। अब इसकी क्लासेस नहीं लग रही तो ये बिल्कुल आज़ाद है, वो बेचारा फंस गया है, कह रहा है मैं उसको गाइस पता है 1 बजे रात तक जगा के पढ़ाता हूँ, फिर सुबह उसको आता हूँ 7:30 बजे, फिर उसको उठा के फिर से बोला कि पढ़ो, तो अभी 1 घंटा स्टडी भी किया है वो। बाकी अभी चलिए कोई नहीं, अभी देखते हैं क्या है आज के ब्रेकफास्ट में, तो आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर बाद। तो दोस्तों फाइनली हम लोग का ब्रेकफास्ट हो गया है रेडी, और अब बारी है मस्त दबा के खाने की। अभी देख लीजिए क्या क्या है, दाल है, और यहाँ पर बैंगन आलू की सब्जी है, और थोड़ा सा लौकी की भी सब्जी है, बाकी मूली मुझे बहुत पसंद है, आज मैं मूली लेकर आया था, मुझे अच्छा लगता है सैलेड खाना। और बाकी यहाँ पर रोटी है, तो आज हम लोग मस्त दबा के दोनों भाई बहन खाएंगे। और गाइज ये भी कह रही है कि बस अब कुछ ही दिन और है, बाकी फिर मेरी क्लासेस खुल जाएगी, तो मैं नहीं बनाऊंगी खाना मैं भी लूंगी ही नहीं। तो बाकी चलिए गाइस लपेटते हैं जल्दी से। तो सबसे पहले मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और खुश क्यों है ये लोग भी टीवी देख रहे थे सभी छोड़ कर चले। मैं आपको एक अपने बेस्ट स्टूडेंट से मिलाता हूँ, वो बहुत ही वर्सेटाइल है, मिस्टर समीर। हेलो। और समीर एक गिटारिस्ट भी हैं, बहुत अच्छा गिटार बजाते हैं, तो मैंने बुलाया कि यार मुझे थोड़ा बहुत तो सिखा दो आप, तो बोले कि बिल्कुल सर मैं आपको सिखा दूंगा। अभी हम लोग 2 दिन पहले ही मिले थे, और बाकी पढ़ने में भी बहुत अच्छे हैं, बहुत डेडिकेटेड है, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को थोड़ा इनका स्किल्स इनके टैलेंट को दिखाऊं, और आप लोग खूब सारा प्यार सपोर्ट कीजिएगा। मैं इंस्टा आईडी इनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा गाइस, बस मैं आपको दिखाता हूँ कुछ। मुश्किल हो गया, मैं लुट गया मन के तेरा,
याद नहीं है बट मजा आ रहा है बहुत। इंस्टा पे भी आप हमारी रील्स देख सकते हैं और आप हम लोग कोशिश करेंगे कि हमेशा एक गाना कंपोज करके डालें और आपको ढेर सारा प्यार दीजिएगा। चलिए गाइस मिलते हैं आपसे, अभी तो मेरे ट्यूशन का भी समय हो चुका है, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल गाइस, थैंक यू फैमिली। तो फाइनली अभी इंस्टीट्यूट पहुंच चुका हूं और सच बताऊं तो आने का मन नहीं कर रहा था, मन कर रहा था कि बस समीर गिटार बजाता रहे और थोड़ी बहुत बस सुर लय ताल चलती रहे, बहुत मजा आया। समीर भी मेरे साथ बैठा है और गाइस आप लोग प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा कि समीर का जो गिटार, हालांकि लर्नर है बट इतने कम टाइम में, बहुत कम टाइम में इसे अभी सीख ही रहा है बट बहुत अच्छा बजाता है और अच्छी आवाज़ भी है। बट चलो गाइस बहुत ही इंजॉय किया आज हम लोगों ने, तो अब ये ब्लॉग काफ़ी लंबा हो जाएगा। आशा करती है हमारा प्यारा सा ब्लॉग आपको पसंद आया, क्योंकि क्लास के टाइम हो गए तो मैं बस क्लास लेने भी जा रहा हूँ। तो मिलते हैं आपसे एक अगले शाम में फ्रेश ब्लॉग के साथ, तब तक बाय बाय, लव यू ऑल गाइस, थैंक यू सो मच, खूब सारा सपोर्ट और प्यार करते रहिए।